हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मुंबई ची मुलगी, द मुंबई गर्लबिनी। फाइनली हम लोग पगोड़ा पहुंच गए हैं, तो चलो देखते हैं अंदर क्या सीन है। चलो, आप देख रहे हो ना पीछे, ये है पगोड़ा का एंट्रेंस। पहुंच गई हूँ मैं अभी मैं एंट्री मार रही हूँ अंदर। अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। लेट्स एंटर देयर। ये सब है सिक्योरिटी चेकिंग। यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग करके अंदर भेजा जाता है लोगों को। क्राउड भी अच्छा खासा आया हुआ है। लॉकडाउन वॉकडाउन सब चला गया। आफ्टर लॉकडाउन फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे विजिट कर रही हूँ। आफ्टर लॉकडाउन क्या, मैं तो फर्स्ट टाइम ही आ रही, दूर से ही देखा था आज तक पगोड़ा को, आज मैं आई हूँ यहाँ पर। ये मैप भी हम कवर कर ही लेते हैं, इससे ना पूरा क्लियरली पता चलता है कैसा है ग्लोबल वैष्णव पगोड़ा। वाटर हार्वेस्टिंग भी होती है यहाँ पे, मतलब गाइज लेट्स गो दैट साइड जहाँ से हमको ना दिखेगा प्रॉपरली। कुछ ऐसा मुझे लगता है बीच बीच साइड दिख रही है, उस साइड एसल वर्ल्ड एंड ऑल है, वोटिंग एंड ये सब चीज़ है। चलो वो साइड कवर कर। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, यहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स सबको लेके आ सकते हैं। प्लेस है ना बहुत ही डिफरेंट है, एक दिन घूमने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा। गाइस अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं फूड प्लाजा में। यहाँ पर एक फूड प्लाजा भी है, अगर हमको भूख लगी है, हम पूरा दिन यहाँ पर घूम रहे हैं, तो हम यहाँ पर खा भी सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है खाने के लिए और क्लीन भी है अच्छा खासा, मैं आपको दिखा दूँ। एक है छोटा सा गार्डन, चलो चलते हैं यहाँ पर भी अंदर।
मुख्य पगोड़ा है, ये है मुख्य पगोड़ा और ये है व्हील ऑफ धम्मा, धम चक्र बगीचा। मुझे नहीं पता क्या होता है, चलते हैं देखते हैं। ओ ये अपने आप घूमता है लगता है, ये अपने आप घूमता है ना। आ गाइस ये अपने आप नहीं घूमता है, ऐसा लग रहा है ये अपने आप घूम रहा है, मुझे लगा हवा की वजह से घूमता होगा, बट लेकिन एक मोटर लगा हुआ है इसमें, इसके लिए घूमता है। अच्छा प्लेस है फोटो सेशन के लिए, अच्छा प्लेस है, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे एक आध फोटो। गाइस ये विपासना सेंटर है, यहाँ पे लोग आते हैं जहाँ पे मेडिटेशन ट्रेनिंग होती है प्रॉपरली। वाओ ये है यहाँ का बेल टावर, ऐसा कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी आती है इस आवाज से। म्यूजिक एक है गाइस गोंग टावर नाम से, लेट्स सी क्या है। वो तो बेल टावर था वो देख लिया हमने, ये है गोंग टावर, चलो देखते हैं। गूंजे चारों ओर, ओह माय गॉड वाइब्रेशंस आती है यहाँ से। इस नगाड़े के लोग ये दर्शाते हैं कि आदमी अगर धर्म करे तो नगाड़े की ध्वनि की तरह उसका धर्म भी चारों तरफ फैलेगा। बजेगा कैसे ये? गाइस अगर कोई पीसफुल प्लेस आना हो अगर आपको वीकेंड में, तो ये प्लेस उसके लिए बेस्ट है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, फील यहाँ का बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा है। बाय बाय पगोड़ा।